सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक फॉर यू को, बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू टेक फॉर यू के एक और एपिसोड में। और आज हम बताएंगे कि जो जो स्टूडेंट DRDO CVT टायर 1 में एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिएगा। अगर लैपटॉप है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है drdo.gov.in और इसको आपको सर्च करना है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा और जब नीचे का आगे करके स्क्रॉल तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है न्यू, जो इस पर आप क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टायर 1 सीमेट्री रिजल्ट अवेलेबल। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं न्यू पे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पे जो है आज जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। और इससे पहले भी जो है हर एक मतलब फेज में रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है, जो कि जितने ही ब्रांचेस सबका किया गया है। तो आज जो है वो सीएस क्लियर किया गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप जिस जो पोस्ट पे अप्लाइड किए हैं, आप मान लीजिए कि किसी का कंप्यूटर साइंस, किसी का सिविल इंजीनियर है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का मतलब जो भी है, यानी कि ब्रांच से कोई भी मतलब फॉर्म फिलअप किया गया है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर साइंस है, तो यहाँ पे आप करके इसको और देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर। जो आपका जो होता है एप्लीकेशन नंबर 12 डिजिट का, यहाँ पे आप इसको फिट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे 3+5 8 करने के बाद यहाँ पे वो कर देना है सबमिट। जब क्लिक कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी दिख मतलब आपको दिखाई देगा कि आप में से इसमें पास हुए हैं या फिर टर्मिनेट हुए हैं। आई होप अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।